नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके हाथ की कौन सी उंगली आपको बताएगी कि आप कब करोड़पति होंगे। इस जानकारी को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी उंगली को किस नाम से पुकारा जाता है। हमारे हाथ में चार उंगलियां और एक अंगूठा होता है, इसको हम अंगूठे के नाम से जानते हैं। और जो अंगूठे के ये वाली उंगली होती है, बराबर वाली उंगली, इसको हम तर्जनी उंगली के नाम से जानते हैं। तर्जनी के बाद ये जो बड़ी वाली उंगली है, इसे हम मध्यमा कहते हैं। और मध्यमा के जो बराबर वाली उंगली है, यानी ये वाली उंगली, इसको हम अनामिका कहते हैं। और जो अनामिका के बाद जो सबसे छोटी उंगली है, इसे हम कनिष्ठा उंगली के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी उंगली ये बताएगी कि आप कब करोड़पति बनेंगे और कब नहीं बनेंगे। तो आज हम तर्जनी उंगली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि तर्जनी उंगली में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि इसके रूपरेखा से आप ये जान सकते हैं कि आप कब करोड़पति बनेंगे और कब नहीं बनेंगे। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली अनामिका के बराबर होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही वफादार और ईमानदार होते हैं। हमेशा ही दूसरों की मदद करने के लिए वो सदैव तैयार रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से छोटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं। उनके मन में हमेशा ही ईर्ष्या की भावना होती है और ऐसे व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली का झुकाव अंगूठे की तरफ होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली की ओर झुकी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कमजोर मानसिकता वाले होते हैं। उनके अंदर साहस की कमी होती है और यही कारण होता है कि वो किसी भी कार्य को सफल नहीं कर पाते। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।